हेलो एवरीवन दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2021 में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरे रियल क्वेश्चन के साथ पूरे 25 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, जो कि आपके इस बार एग्जाम एसएससी जीडी 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर का आप उतना परफेक्ट हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, रेगुलर मैं आपके लिए क्लासेस ला रहा हूँ, रोज सुबह 9 बजे आप अटेंड कीजिए। अगर यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास प्रीवियस ईयर 2021 में जो पूछा गया है वो आपको पूरे 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, और ये पेपर है आपका 22 नवंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में जो पूछा गया क्वेश्चन वो सारा आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, 6:2:16। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने से आपको लग रहा होगा कि 8:? के स्थान पर क्या आएगा, क्योंकि ये जो 216 है ये 6 का क्यूब है। ठीक है, ये किसका क्यूब है, इसी का क्यूब यहाँ लिखा हुआ है। 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो 8 का क्यूब कितना होगा, 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 512, जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर 512 हो जाएगा। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसको देखिए क्या बोला है कि दिए गए विकल्पों में उस आकृति को चुनिए जो निम्न श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से फिगर को आगे बढ़ाते गया है, इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक फिगर को पकड़िए, इस वाले को। ठीक है, इसको पकड़िए, इस कोना में है ये। ठीक है, अगले वाले में किस कोना में आ गया, इस वाले कोना में, यानी कि एक कोना छोड़ के ये तीसरे वाले कॉर्नर में यहां रख कर दिया है। ठीक है, अब आगे आते हैं, तो उसी तरीके से इस वाले फिगर में, ठीक है, इस कॉर्नर छोड़ के इस कॉर्नर में होना चाहिए, जो कि है भी। ठीक है, तो अगले फिगर में ये वाला कहां होगा, तो ये कॉर्नर छोड़ के इस कॉर्नर में होना चाहिए, तो ये वाला आपका इस कॉर्नर में आएगा। ठीक है, ये वाला ऐसा वाला जो फिगर है वो आपका इस वाले कॉर्नर में आएगा यहाँ पर। ठीक है, एक आपको मेरा पकड़ा गया, अब दूसरा फिगर पकड़िए, इसको देखिए, ये जो आयत के आकार में, इसको पकड़िए, ये इस कॉर्नर में है। ठीक है, अगले वाले में इसमें क्या किया है, एक पीछे कर दिया, यानी इस कॉर्नर में ले आए, एक स्थान पीछे करके इस कॉर्नर में कर दिया है। फिर दूसरे वाले में देखिए, ये आयत को कहाँ ले आया, यहाँ ले आया, यानी कि एक कॉर्नर छोड़ के, ये वाला कॉर्नर छोड़ के यहाँ वाला कॉर्नर में कर दिया इसमें। ठीक है, यानी कि पहले में एक पीछे गया है, फिर एक कॉर्नर छोड़ के आगे बढ़ गया है, फिर तीसरे वाले में कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे, यानी ये आयत यहाँ है तो पीछे जाएंगे, तो ये इस वाले में यहाँ आ जाएगा आयत। ठीक है, तो देखिए इस तरह से कहाँ है, ये वाला फिगर एक कॉर्नर में और आयत इस वाले कॉर्नर में, ऑप्शन एक में ही दिख रहा है, तीसरा हम साइन को चेंज नहीं करेंगे, जब दो साइन फॉलो कर गया तो तीसरा को चेक करके टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, इस तरह का फिगर और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, देख सकते हैं आप। नीचे हम ले जाते हैं, देखिए है कहीं नहीं है, केवल ऑप्शन एक ही में है कि आयत इस वाले कॉर्नर में है और ये वाला फिगर इस वाले कॉर्नर में। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये भी इस सवाल को देखिए, प्रतिबिंब का सवाल है, इसको किस तरह से आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, यहां देखते हैं इसको, दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखे जाने पर आकृति का प्रतिबिंब दर्पण में किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो देखिए दर्पण कहां रखा है, इस ओर रखा है, दाईं ओर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, दर्पण इस ओर है, तो इसमें जो नंबर है, आप इसको यहां मैं फिगर बना देता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ आपका 0, ठीक है, यहां लिखा हुआ आपका 8, यहां लिखा हुआ 4, और यहां आपका लिखा हुआ 7, और यहां 1। तो इसमें आपको करना क्या है कि जब यहां हम दर्पण रखेंगे इस साइड तो नंबर पलट जाएंगे। ठीक है, ये 4 आपका इधर आ जाएगा और ये 8 आपका इधर चला जाएगा। ठीक है, और ये 0 ज्यों का त्यों रहेगा, जो जहां है ये 0 वहीं रहेगा, फिर इस वाले में 1 इधर आ जाएगा और 7 इधर चला जाएगा। तो आप देखिए इस तरह से कहां हो रहा है, तो ऑप्शन 2 को देखिएगा, तो देखिए 0 यहीं का तहीं है, 4 इधर से आपका आ गया इधर, ठीक है, और 8 इधर से आ गया इधर, फिर देखिए 7 आपका इधर से आ गया इधर, और 1 आपका इधर से आ गया इधर। ठीक है, अब ऑप्शन 1 में देखिएगा, तो देखिए 1 और 7 को ऊपर में लिख दिया है, जो कि ये संभव नहीं है, आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा आपका सही हो जाएगा। तीसरे की ओर चलिएगा तो भी इसमें देखिएगा क्या कि ये 8 और 4 को चेंज नहीं किया है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिएगा तो 7 और 1 को ऊपर में लिख दिया है और बदला भी नहीं है, तो इस तरीके से चौथा भी क्या आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 ही इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल आपको ऑब्जर्व करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर, ये सवाल आपको बनाने हैं। ठीक है, इस सवाल को बनाइए, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें क्या बोला है, ए बी सी और डी नाम के 4 मित्र एक रेस्तरा में एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो एक वर्गाकार मेज बना लेते हैं। ठीक है, पहले वर्ग के आकार का एक मेज बना लेते हैं,
ये वर्ग के आकार का मेज बन गया, चार लोग हैं। आगे देखिए क्या बोले, यदि बी ए के ठीक सामने और डी के विकर्णता सामने बैठा है, बी जो है वो ए के ठीक सामने, तो बी को यहां बैठा देते हैं और ए को यहां बैठा देते हैं, ठीक है, तो बी जो है वो ए के ठीक सामने हो गया, हो गया। और बोला कि और डी के विकर्णता सामने होना चाहिए, बी जो है वो डी के विकर्णता सामने, विकर्णता मीन्स इसके ऑपोजिट, इस साइड में, ठीक है, तो डी आपका यहां हो जाएगा, डी के विकर्णता, ठीक है, सामने बैठा हुआ है, तो बच गया एक ही आदमी सी, तो सी यहां बैठ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि सी के सामने कौन बैठा है, तो सी के सामने कौन बैठा है, डी बैठा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना था, केवल स्क्वायर बनाइए, जैसे बोला था कि बी ए के सामने बैठा है तो उसी तरह बी को ए के सामने बैठा दिए। आगे बोला था बी डी के विकर्णता सामने बैठा है, तो बी को डी के विकर्णता सामने बैठा दिए, तो बस ये एक ही व्यक्ति सी, तो सी यहां बैठ जाएगा आपका। अब क्वेश्चन में यही पूछा था कि सी के सामने कौन बैठा है, तो सी के सामने डी बैठा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपको मैथ का भी सोल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है, आप उसको भी देखिए और इसको भी देखिए। एग्जाम से पहले इतना प्रैक्टिस कर लीजिए प्रीवियस ईयर का कि एग्जाम में सब क्वेश्चन आपसे बने, किसी में भी आपको परेशानी ना हो। इसको देखिए क्या बोला है, एक निश्चित कूट भाषा में भोली को ये लिखा जाता है और डॉन को ये लिखा जाता है, तो डेस्टिनी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए यहां लिखते हैं भोली, ठीक है, भी वो डबल एल ई वाई, ठीक है। इसका कोड क्या दिया है, डब्ल्यू दिया है, पी है, एम है, ठीक है, फिर एम है, एफ है और जेड है। तो किस तरह से कोड किया है, तो भी के बाद क्या होता है, डब्ल्यू प्लस का वन किया, ठीक है, वो के बाद पी होता है प्लस का यहां भी वन, एल के बाद एम होता है, फिर एल के बाद एम होता है, ई के बाद एफ होता है और वाई के बाद जेड होता है, मींस अगला लेटर सबका लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार डॉन को देखिए, डी वो एन, डॉन को क्या लिखा है, ई लिखा है, पी लिखा है, ओ लिखा है, तो डी के बाद ई होता है, ठीक है, ओ के बाद पी होता है और एन के बाद क्या होता है, ओ होता है, मींस अगला लेटर सबका लिखना है। तो डेंसिटी का उसी तरह से लिखेंगे, डी ई एन एस आई टी वाई, डेंसिटी, ठीक है, तो डी के बाद क्या होता है, डी के बाद ई होता है, तो ई लिखेंगे और ई के बाद क्या होता है, एफ, तो एफ लिखेंगे, फिर एन के बाद क्या होता है, वो होता है, ठीक है, फिर एस, एस के बाद क्या होता है, टी होता है, आई के बाद जे होता है और टी के बाद यू होता है और वाई के बाद क्या होता है, लास्ट में जेड। तो ये आपका कोड होगा इसका, डेंसिटी का, ई एफ वो टी जे यू जेड, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा। इसमें कुछ नहीं करना था, बिल्कुल आसान था, सबका अगला लेटर लिखा हुआ था, ठीक है, डी के बाद क्या होगा, ई के बाद क्या होगा, इस तरह से आपको कोडिंग करना था। चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखिए, ये सीरीज का सवाल है, इसमें क्या बोला है, उस संख्या की पहचान करें जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा रॉन्ग है वो आपको निकालना है। तो देखिए नंबर कितना लिखा हुआ आपका, 18 है, एक नंबर है आपका कितना 27, अगला है आपका कितना 35, फिर है 45 और लास्ट आपका कितना 54। तो देखते हैं क्या इसमें चल रहा है, 18 से हो गया कितना 27, प्लस का कितना हुआ है 9 हुआ है, ठीक है, फिर आगे देखिए 27 से हो गया 35, तो इसमें प्लस का कितना हुआ है 8 हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं 35 से 45 हो गया है, प्लस का 10 हो गया है, 45 से आपका हो गया 54, प्लस का यहाँ कितना हुआ है 9 हुआ है, ठीक है। तो इनमें आपको क्या पैटर्न नजर आ रहा है और कहाँ गलती नजर आ रहा है, ठीक है, तो एक पॉइंट को आप देखिएगा गौर से, ठीक है, इस वाले नंबर को 35 को, ठीक है, 35 को, ये नंबर आपका क्या है गलत है, यहाँ 35 नहीं होना चाहिए, यहाँ कितना होना चाहिए 36 होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका सब में 9 9 प्लस होगा, यहाँ भी 9 है, लास्ट में 9 है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि 9 9 का पैटर्न चल रहा है, प्लस 9 प्लस 9। उस तरीके से 35 के जगह पर कितना होना चाहिए 36 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, अगर यदि 27 से नंबर 36 हो रहा है, ठीक है, तो प्लस का कितना हो रहा है, यहाँ भी प्लस का 9 हो रहा है, पैटर्न को फॉलो करवा रहे हैं, ठीक है। अब 36 से यहाँ 45 हुआ है, तो यहाँ भी आपका प्लस का 9 हो रहा है, और 45 से 54 हुआ है, तो यहाँ तो प्लस का आपका 9 हो ही रहा है, तो गलती आपका कहाँ है 35 में, 35 के जगह अगर 36 रहता तो ये सीरीज आपका सही रहता, लेकिन यहाँ क्या है 35 दे रखा है, तो गलती किस में है 35 में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सब में प्लस 9 का पैटर्न चल रहा था, हम पकड़े कैसे, फर्स्ट में प्लस 9, लास्ट में प्लस 9 हो रहा था, तो कहीं ना कहीं प्लस का 9 ही पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करिए, ठीक है। हालांकि इस बार आपके एग्जाम में
पैटर्न में चेंजेस हुए हैं। 20-20 क्वेश्चन का हर एक सेक्शन होगा, 25 क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो पिछली बार पूछा है 25 क्वेश्चन उसको आपको पूरा प्रैक्टिस करना है, भले ही आपके एग्जाम में 20 ही क्वेश्चन क्यों ना आए। ठीक है, आपको देखना है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और एग्जाम में हम क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हैं और कैसे जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो सारा मैं बताऊंगा, आप मेरे साथ रेगुलर जुड़े रहिए रोज सुबह 9 बजे। ठीक है, आपको एक क्लास रीजनिंग की जरूर मिलेगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हल करिए। देखिए, एन लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, तो ये लेटर का सीरीज है, तो लेटर को हम नंबर में बदल देते हैं। ठीक है, एन है, एन कितना नंबर पर आता है, 14 नंबर पर, तो 14 लिख देते हैं। के है, के आता है 11 नंबर पर। अगला है आई, आता है 9 नंबर पर। ठीक है, उसी तरीके से आगे कितना लिखा हुआ है, पी एम के, पी कितना नंबर पर आता है, पी आता है आपको 16 नंबर पर। ठीक है, एम आता है आपका 13 नंबर पर, के आता है आपका 11 नंबर पर। तो देखिए क्या हो रहा है, 14 से 16 प्लस का कितना हुआ 2, 11 से हो गया कितना 13, यहाँ भी हो गया प्लस का 2, 9 से हो गया 11, यहाँ भी प्लस का 2। तो पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2। उसी तरीके से आगे करेंगे, क्या लिखा हुआ, आर ओ एम। ठीक है, तो आर कितना नंबर पर आता है, 18 नंबर पर, वो आता आपका 15 नंबर पर, एम आता आपका 13 नंबर पर, तो इसमें 2 जोड़िए। ठीक है, 18 में 2 जोड़ेंगे क्या जाएगा 20, और 20 नंबर पर टी आता है। ठीक है, 15 में 2 जोड़िए, ठीक है, हो जाएगा आपका कितना 17, और 17 नंबर पर आता आपका क्यू। आगे देखिए, 13 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 15, और 15 नंबर पर आपका आता है क्या वो, तो टी क्यू वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, जो कि ऑप्शन 3 में आपको दे रखा है। ठीक है, आप अगर यदि इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, केवल फर्स्ट और लास्ट का कोड निकालिए। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट का, और देखिए इसका ऑप्शन 3 में केवल टी है फर्स्ट में और लास्ट में वो है, और किसी भी ऑप्शन में वैसा नहीं है, तो तीनों कोड निकालने के बजाय 2 का कोड निकाल के भी आप आंसर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, समय अपना सेव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको भी आना चाहिए, तभी आप समय बचा के ज्यादा क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अभी इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, इस क्वेश्चन में आप कितना समय दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने में थोड़ा इस क्वेश्चन को जूम करके अच्छे तरीके से आपको बताता हूं कि इसमें हो क्या रहा है, और इस तरह का क्वेश्चन आपको एक जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, अब इस क्वेश्चन को आप हल करिए। देखिए, इसमें एक पैटर्न चलता है, ठीक है, उस पैटर्न को आपको पकड़ना होता है। देखिए, यहां 3 लेटर है बी सी बी, और कहीं 3 है नहीं, तो इसी को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, बी सी बी को, ठीक है, फॉलो कराने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहां लिखा हुआ बी सी, तो आगे यहां भी होना चाहिए कितना बी, तभी हो जाएगा आपका बी सी बी। ठीक है, और B के बाद देखिए यहाँ आ गया I, तो यहाँ भी हो जाएगा B के बाद क्या आपका I, B C B I, B C B I, इस तरीके से चल रहा है। यहाँ B है तो यहाँ भी हो जाएगा आपका C, B C B I, ऐसे चल रहा है। क्या क्या हम भरे, I भरे, B भरे, C, I B C, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। केवल आपको पैटर्न फॉलो करना है, देखना है कि किस तरीके से ये चल रहा है, उसी तरीके से आपको फिल कर देना है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन को आप हल करिए। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, बताने का कोशिश कीजिए। ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, देखते हैं क्या बोला है। यदि समायरा मेरे पिता की माता के एकलौते पुत्री की पुत्री है, तो समायरा मुझसे क्या संबंध है। तो इसको देखिए, बिना डायग्राम बनाए इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये खुद को मान लीजिए। ठीक है, यदि समायरा मेरे पिता, मेरे पिता खुद को मान लीजिए, मेरे पिता की माता, तो मेरे पिता की माता कौन लगेगी हमको, दादी लगेगी, के इकलौते पुत्र, तो मेरी दादी के इकलौते पुत्र मेरे पापा ही होंगे, की पुत्री, मेरे पापा की पुत्री। ठीक है, तो मेरी पापा की पुत्री कौन लगेगी मुझे, बहन लगेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, बहन। और डायग्राम से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ये हो गया मैं, मी मीन्स मैं हो गया। ठीक है, क्या बोला, मेरे पिता, तो मेरे पिता मेरे ऊपर हो जाएंगे, मेरे फादर यहाँ लिखे। ठीक है, मेरे पिता की माता, तो मेरे पिता की माता ऊपर हो जाएगी, ठीक है, मदर, तो ये हो गई मेरी दादी। ठीक है, मेरे पिता के माता, ठीक है, के इकलौते पुत्र, तो मेरे पिता के माता के इकलौते पुत्र मेरे पिता ही होंगे। ठीक है, की पुत्री है समायरा, यानी कि इसकी पुत्री, तो समायरा यहाँ हो जाएगी, समायरा। ठीक है, तो समायरा मुझे कौन लगी, ठीक है, मेरे फादर की पुत्री है, तो मेरी बहन लगेगी। तो इसी तरह, इस तरीके से आप डायग्राम भी बना के कर सकते हैं, या तो खुद के ऊपर सोच के बनाइएगा तो जल्दी बन जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 10, इसको सॉल्व करिए। देखिए इसमें क्या है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल दे दिया है रिज्यूम में, कोई बात नहीं, इसको भी कर लेंगे। देखिए क्या बोला है, एक सम्मेलन के अंत में उपस्थित सभी 30 व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, इस प्रकार कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। ठीक है, 30 व्यक्ति हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, एन सी टू। ठीक है, एन सी टू, 30 व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति हाथ मिलाते, तो 2 लिखेंगे। एन आपका कितना नंबर है, 30 व्यक्ति हैं। ठीक है, और सी कॉम्बिनेशन,
और 2 यहाँ लिखेंगे। तो इस तरीके में आप क्या कीजिए, आप 30 को लिखिए और 30 में एक घटा दीजिए, गुना में लिखिए 29, और दो बार हाथ मिला रहे हैं सभी, तो 2 से इसको क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और इसको काटिए, ठीक है 15। अब 15 से 29 को गुना कीजिए, ठीक है, तो 15 नंबर कितना होता है 3 से 5, बाकी आपके 13, 15 दुना 30 और 13 कितना हो जाएगा 43, ठीक है 43, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 435 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी 30 व्यक्ति जो है एक दूसरे से हाथ कितना बार मिलाएंगे 435 बार, ठीक है, ये इसकी कुल संख्या हो जाएगी हाथ मिलाने की। अब चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करिए। देखिए इसमें क्या पूछा है, ए बी सी डी ई और एफ अलग अलग लंबाइयों के 6 मित्र हैं, ठीक है 6 मित्र हैं, सबका लंबाई अलग अलग है, मार्क कर लेते हैं, एक मित्र हो गया आपका, 2, 3, 4, 5 और ये 6 मित्र हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, ये केवल ई और सी से लंबा है, ये जो केवल ई और सी से लंबा है बाकी भाग सबसे छोटा है, कहने का इसका अर्थ ये है, आपको समझना पड़ेगा, ये केवल सी और ई से लंबा है, इट मींस दैट ये सभी से छोटा है सिवाय ई और सी से। तो यहाँ आपका लिखेंगे ये, और यहाँ हो जाएगा आपका सी या फिर ई बैठेगा, और यहाँ भी हो जाएगा सी या फिर ई बैठेगा, क्योंकि ये फिक्स पोजिशन नहीं है, लेकिन ये जो है वो सी और ई से बड़ा है, ठीक है लंबा है, कहने का मतलब। आगे क्या बोला है, बी डी से छोटा है लेकिन डी इनमें सबसे लंबा नहीं है, बी जो है वो डी से छोटा है, यानी डी जो है वो बी से बड़ा है ना, लेकिन डी जो है वो सबसे बड़ा नहीं है, तो डी आपका यहाँ नहीं बैठ सकता है, सबसे लंबा यहाँ व्यक्ति बैठेगा लेकिन डी यहाँ नहीं बैठ सकता है, क्योंकि बोल दिया है कि डी सबसे लंबा नहीं है, तो डी यहाँ हो जाएगा आपका और बी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि डी जो है वो बी से लंबा है, तो इस तरीके से यहाँ लिख दिए, और बचा व्यक्ति एक और जगह भी बचा एक, ठीक है, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, एक व्यक्ति एफ, ठीक है ये बैठ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, उनमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन आ रहा है, एफ आ रहा है, तो एफ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, साथ में वीडियो को शेयर करते जाइएगा और लाइक करते जाइएगा, ठीक है, और रोज सुबह 9 बजे जुड़िएगा, आपके लिए रोज एक सेशन रीजनिंग का आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है, 4 अक्षर समूह में दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक असंगत है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है, तो इनमें से कौन सा अलग है, ठीक है, तो ऑप्शन 1 को देखिए क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, एस है, फिर आगे बी है, यू कितना नंबर पर आता है 21 नंबर पर, ठीक है, और एस आता है आपका 19 नंबर पर, और बी आता है आपका 2 नंबर पर, इनमें क्या समानता है, क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है, तो एक और लिख लेते हैं, लिखा हुआ आई डी ई ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, आई आता है 9 नंबर पर, डी आता है आपका 4 नंबर पर, और ई आता है आपका 5 नंबर पर, तो गौर से देखिए इसमें क्या चल रहा है, अगर 21 में 19 को घटाएंगे, ठीक है, फर्स्ट 2 नंबर को आपस में घटाएंगे तो ये तीसरा नंबर आपको मिलेगा, 21 में 19 को घटाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ लिखा हुआ है, फिर इसमें देखिए 9 में 4 को घटाएंगे तो 5 आएगा, ठीक है 9 में 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो क्या हो रहा है, पहली 2 संख्याओं को घटाया है तो तीसरी संख्या मिला है, लेकिन ऑप्शन 4 अलग कैसे, इसमें देखिए क्या हो रहा है, जेड लिखा हुआ है टी और जी, जेड आता है 26 नंबर पर, और टी आता है आपका 20 नंबर पर, और जी आता है 7 नंबर पर, तो देखिए 26 में 20 को घटाएंगे तो 6 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ कितना 7, तो ये फॉलो नहीं हो रहा है, ये असंगत है, यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है समझ में आ रहा होगा। इस तरह का जब भी लेटर वाला आए तो सबसे पहले आप नंबर उसका लिखिए, ठीक है, नंबर में रिलेट करने में आसानी होती है, पैटर्न क्या चलता है उसको फाइंड करने में आसानी होती है, तो चीजों को आप जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करिए। देखिए किंग का कोड आपके सामने दे रखा है, किंग का इतना बड़ा कोड दिया हुआ है, तो उसी कूट भाषा में रोज का क्या होगा, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ किंग, ठीक है, तो किंग के कितना नंबर पर आता है, किंग में लिखा लिख लेते हैं, ठीक है, के आई लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, और जी आपका लिखा हुआ है किंग, के आता है आपका कितना नंबर पर 11, और आई आता है आपका 9 नंबर पर, एन आता है आपका कितना नंबर पर 14 नंबर पर, और जी आता है आपका 7 नंबर पर, तो देखिए इसको किस तरह से कोड किया है, ठीक है, तो 11 गौर से देखिएगा, फर्स्ट 2 कोड 10 और 12 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये 11 आया के का कोड, 11 में अगर यदि हम 1 घटा देंगे, ठीक है, माइनस का 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है, और 11 में प्लस का 1 करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है, जो कि पहली 2 कोड लिखा हुआ है 10 और 12, तो क्या किया है, इसका कोड में एक बार माइनस का 1 किया, एक बार प्लस का 1, और 2 कोड निकाला है, फिर इसी तरीके से 9 का देखते हैं, ठीक है, 9 में माइनस का 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 9 में प्लस का 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा, जो कि आगे लिखा हुआ भी है 8 और 10 है ना। अब देखिए एन 14 नंबर पर आता है, तो 14 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13, और 14 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15, आगे कोड भी लिखा हुआ है 13 और 15। अब लास्ट वाला हम देखते हैं, ठीक है, जी जी का
प्लेस वैल्यू 7 आता है, 7 में 1 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, जो कि लास्ट में 68 भी है। तो किया क्या है, इसका जो प्लेस वैल्यू है ठीक है, जितने नंबर पर आता है उसमें एक बार माइनस का 1 किया, एक बार प्लस का 1, एक बार माइनस का 1, एक बार प्लस का 1, ऐसे इसका कोड किया है। उसी तरीके से रोज का कोड करेंगे, क्योंकि रोज का पूछा है, रोज में आर लिखा हुआ, आर कितने नंबर पर आता है, आर आता है आपका 18 नंबर पर, 18 लिखे। फिर है वो, ठीक है, तो वो कितना नंबर पर आता है, वो आता है आपका 15 नंबर पर, 15 लिखे। फिर है एस, एस आता है आपका 19 नंबर पर, ठीक है, छोड़िए इतना कोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप क्या कीजिए, फर्स्ट और लास्ट का केवल निकालिए, ठीक है, आर आता है 18 नंबर पर और लास्ट में ई, ई आता है आपका 5 नंबर पर, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट सबका अलग अलग है, बस उतना ही मिलाएंगे। तो 18 में एक बार माइनस का 1 कीजिए तो आ जाएगा कितना, 17, एक बार प्लस का 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 19, और लास्ट में ई, और ई आता है 5 नंबर पर, तो इसमें एक बार माइनस कीजिए 5 में 1, 4 हो जाएगा, 5 में प्लस 1 कीजिए 6, तो शुरू में होना चाहिए 17 और 19 और लास्ट में होना चाहिए 4 और 6, किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में, देखिए शुरू में है 17 और 19 और लास्ट में 4 और 6, और किसी भी ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यही इसका सही आंसर होगा। पूरा कोड क्यों निकालने जाए, टाइम केवल वेस्ट होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि ऑप्शन को ऑब्जर्व करना होता है, कभी कभी ऑप्शन से ही जल्दी हो जाता है, तो उस पर भी ध्यान रखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस सवाल को करिए, इसको कर सकते हैं, ऐसा वाला सवाल मैंने पहले भी बता चुका हूं कि डिक्शनरी में जिस तरह वर्ड दिए होते हैं उसी को अरेंज करना होता है केवल। तो पहला लेटर देखिए सबका पीपी है, यहां से नहीं डिसाइड कर सकते। दूसरा इसमें क्या है, वो है, दूसरा इसका आई है, इसमें दूसरा क्या है, ई है, इसमें दूसरा क्या है, वो है, इसमें दूसरा ये है, तो इनमें पहले कौन आ जाएगा, ये आएगा पहले। तो ये कितना नंबर पर वाला लेटर है, 5 नंबर वाला, 5 नंबर वाला वर्ड है, तो 5 नंबर जो पहले से स्टार्ट होगा ऑप्शन में वही आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन 2 कैंसिल होगा, क्योंकि ये 1 से शुरू हुआ, ये 2 से, ऑप्शन आपका 3 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है, ये दोनों आपका आंसर हो सकता है, लेकिन दूसरा कोड मिलाइएगा वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, 5 को भूल जाइए, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अब अगला देखिए, दूसरा इसका वो है, इसका आई है, इसका ई है, इसका वो है, तो पहले कौन आएगा, ई आएगा, यानी ई कितना नंबर पर है, 3 नंबर पर, ठीक है, 20, तो 3 नंबर वाला दूसरे स्थान पर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में 4 में केवल है, ठीक है। तीसरा में देखिए 5 के बाद 4 लिखा हुआ है और 5 के बाद यहाँ 3 लिखा हुआ है, जो कि यही होना चाहिए, तो यही इसका आंसर होगा। सबका निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल आप फर्स्ट 2 निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15, इसको हल करिए, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, सही कोड क्या बोला इसमें, ओरेकल का कोड ये दे रखा है, ठीक है, डेविड का कोड आपका ये दे रखा है, तो आपसे पूछा है कि वीडियो का कोड क्या होगा, ठीक है, तो देखते हैं। ओरेकल, वो लिखा हुआ है, आर है, ये है, सी एल ई, ओरेकल लिखा हुआ है, उसका कोड क्या किया है, एच, ठीक है, फिर है एस, भी है, यू है, एक्स है और जी है, लास्ट में देखिए लिखा हुआ डेविड है ना, डी ए भी आई डी, डेविड का कोड क्या लिखा है, बी लिखा है, भी लिखा है, फिर जे लिखा है, एफ लिखा है और बी लिखा है। अब देखिए इसमें क्या समानता है, ठीक है, कॉमन क्या है, तो इसमें गौर से देखिएगा, शुरू में यहाँ डी है, इसमें भी डी है शुरू लास्ट में, तो डी का कोड क्या लिखा है, बी, इसके नीचे बी लिखा हुआ है, डी के नीचे इसमें भी बी लिखा हुआ है, तो यहां से हम पकड़ सकते हैं कि जो लेटर जिसके सामने लिखा हुआ है वही उसका कोड है, ठीक है। इसके नीचे भी लिखा हुआ है, यहाँ भी इसके नीचे भी लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि जो जिसके सामने लिखा हुआ है वही उसका कोड है, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्लस माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। अब वीडियो का कोड इसी तरीके से निकालेंगे, वी आई डी ई ओ, अब वीडियो का कोड अब निकालिए, ठीक है, वी, वी के सामने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, डेविड में देखिए वी यहाँ है, तो वी के सामने जे लिखा हुआ है, तो वी के सामने यहाँ जे हो जाएगा। आई, आई देखिए डेविड में आई यहाँ है ना, तो आई के नीचे क्या लिखा हुआ, एफ, तो यहाँ हो जाएगा आपका एफ। फिर है डी, डी कहाँ है, डेविड में देखिए डी पहले है, तो डी के नीचे बी लिखा हुआ है, बी लिख देंगे। अब ओरेकल में लास्ट में ई है और ई के नीचे जी लिखा हुआ है, तो यहाँ जी हो जाएगा। और ओरेकल में फर्स्ट लेटर वो है, ओ के नीचे एच है, तो यहाँ भी ओ के नीचे एच हो जाएगा। इसका कोड क्या हो जाएगा, जे एफ बी जी एच, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगर चीजें अच्छी से समझ में आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी और इससे पता चल पाएगा कि किस तरीके के पैटर्न इसमें चल रहा है। इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से,
और ऐसा वाला एक सवाल फिक्स है आपके एग्जाम में, ठीक है। आपको केवल इसमें दिमाग चलाना है, पकड़ा गया तो हो गया, नहीं पकड़ाया तो बहुत टाइम ये खा सकता है आपका। इसलिए इसको एक नज़र में आपका बन गया तो बना लीजिए, नहीं तो इसको बाद में देखिएगा, नहीं एग्जाम में आपका ये समय ज़्यादा खा सकता है, ठीक है। तो देखिए पहले बॉक्स में लिखा हुआ 10, नीचे लिखा हुआ 12, उसके नीचे लिखा हुआ 160, ठीक है। इसके बाद देखिए 13 लिखा हुआ है, 11 है, 185 है, 185, ठीक है। अब इसमें देखिए 17 है, यहाँ आपका खाली है, यहीं का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। और लास्ट में लिखा हुआ 235। अब इसमें देखिए क्या पैटर्न है, किस तरीके से बॉक्स को भरा है, तो जैसे हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, लास्ट वाला बॉक्स देखिए कितना लिखा हुआ है इसमें, 160, ये वाला बॉक्स है ना, 160 लिखा हुआ है, लिखें माइनस, पहली संख्या कितना है पहला बॉक्स में, 10 लिखा हुआ, ठीक है, 10 माइनस 10, और गुना करेंगे 10, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, भागा कर देंगे किससे, 5 से, डिवाइड बाय 5, तो आपको ये बीच वाला नंबर मिल जाएगा 12। देखते हैं 160, ठीक है, माइनस 10 देंगे 100, ठीक है, ब्रैकेट बंद है, भागा यहाँ देंगे 5, तो 160 में 100 जाएगा कितना बचेगा, 60 बचेगा, और 60 को जब 5 से डिवाइड कीजिएगा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है, जो कि बीच वाला नंबर आ रहा है। तो ये इसमें देखें कि इस तरीके से हो रहा है। अब देखेंगे कि दूसरा वाले में भी यही पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा बॉक्स पकड़िए, लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 185 लिख लिए, माइनस पहली बॉक्स वाली संख्या कितना है, 13 गुना 10 की है तो गुना 10 इसमें भी करेंगे, और भागा कर देंगे किससे, 5 से, डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब 185 में माइनस कर दीजिए, 13 देंगे 130 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी डिवाइड बाय 5 है, तो अब देखिए 185 में 130 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 55, और 55 को 5 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 11, बीच वाली संख्या आ गई, ठीक है। तो इसमें पैटर्न क्या चल रहा था कि लास्ट वाली जो संख्या है, ठीक है, इसमें से पहली वाली संख्या का 10 गुना घटाइए, उसके बाद 5 से भागा दीजिए तो बीच वाली संख्या आपको निकल के आ जाएगी। तो कुछ इसी तरीके से जो बॉक्स खाली है उसमें आपको भरना है, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ठीक है, अरेंज करते हैं, ताकि चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं बता सकूँ और अच्छे से आपको समझ में आए। तो जगह नहीं है इसलिए मैं यहीं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो पैटर्न था कुछ उसी तरीके से, तो देखिए 235 है, ठीक है, लास्ट में 235 लिखा हुआ ये नंबर, ठीक है, इसमें से हम घटा देंगे आपका 17 का 10 गुना, अब भागा कर देंगे किससे, 5 से, ठीक है। अब 235 माइनस 17 देंगे 170 और भागा 5, ठीक है, तो 235 में 170 आप घटाइए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 का 5 और 17 और 6 कितना होता है, 23, अब 5 से इसको भागा दीजिए, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 13, ठीक है, 13, 25, 65, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। इसीलिए बोलता हूँ कि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप सोच पाइएगा कि किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस किया जाता है प्रीवियस ईयर का, ताकि आप देख के समझ पाए कि किस किस तरीके से क्वेश्चन को बना रहा है, ठीक है। अब इसको देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। तो इसको सही करने के लिए किसको आपस में बदलें कि 70 आ जाए आपका, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या आप लॉजिक लगा सकते हैं, कम समय में कैसे बना सकते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा, ऑप्शन आपको उठाना ही पड़ेगा, लेकिन कौन सा ऑप्शन उठाएं, ठीक है, सारा तो ट्राई कीजिएगा तो समय जाएगा, लेकिन किसको आप पहले उठाएं जो कि आपको 90% है कि बन जाए, ठीक है। तो देखिए एक तो आपका आंसर है, दूसरा देखिए 5 और 7 को आपस में अगर बदलेंगे, ठीक है, तो जहाँ 5 है वहाँ 7 कर देंगे, तो देखिए यहाँ है बीच में 45 भागा 5 प्लस 7, ठीक है, ऐसा यहाँ बीच में लिखा हुआ है, ठीक है, तो 45 भागा इन दोनों को बदलना है, तो 5 की जगह 7 आ जाएगा और 7 की जगह आपका 5 चला जाएगा, तो देखिए 45 को ये 7 कैंसिल नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, कटना चाहिए, जो कटेगा उसी को आपको ट्राई करना है, सबको नहीं, तो इस तरीके से दूसरा आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर जी चौथा को देखते हैं तो 5 और 12 है, ठीक है, तो जहाँ 5 है वहाँ 12 कर दीजिए और जहाँ 12 है वहाँ 5 कर दीजिए, तो कुछ इसी तरीके से आ जाएगा, 45 भागा 5 है तो यहाँ 5 की जगह आपका आ जाएगा 12, यानी 45 भागा 12 हो जाएगा, जो कि ये भी कटेगा नहीं, ये भी कैंसिल नहीं होगा, तो इस तरीके से ऑप्शन 4 भी आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। अब 3 को देखिए, 3 और 7, जहाँ 3 है वहाँ 7 कर दीजिए और जहाँ 7 है वहाँ 3 कर दीजिए, तो ये संभव है, ठीक है, ये संभव है, तो आपको एग्जाम में
ऑप्शन इसको तीन को ट्राई करना है और एक को ट्राई करना है, इन दोनों को ट्राई करना है, कोई इन दोनों में से एक आपको फॉलो कर जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर एक में। तीन और पांच को आपस में बदलेंगे तो 70 आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको बदल कर दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से पूरा बदल कर दिखाता हूँ। तीन की जगह कर देता हूँ कितना, पांच, तो पांच गुना 45 हो जाएगा, ठीक है। पांच की जगह करना है तीन, तो यहाँ आपको करना होगा तीन, और प्लस का जैसे वैसे कर दिए 7 और माइनस का 12, बराबर आना चाहिए आपका कितना, 70, ठीक है। तो देखिए काटते इसको, 3 से 15 45, 15 25 75 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का ये 7, ठीक है, और माइनस का 12, बराबर आना चाहिए 70। देखिए 75 और 7 कितना हो जाएगा, 82, 82 में 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, 70 आ जाएगा, ठीक है, 70 इज इक्वल टू 70। तो ये प्रूव हो गया, तो ऑप्शन एक इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने ये तरीका बताया आपको कि किसको उठाना है, कौन से ऑप्शन को आपको चूज करना है और उसको फिट करवाना है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये देखिए आसान सवाल है ये, इसको केवल ढूंढना है कि इस आकृति किस आपके ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा वाला कहाँ है। तो देखिए इसी में आपको देखने से स्पष्ट मालूम पड़ रहा है, ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग आपको नहीं लगाना है, इसमें कोई एकदम आसान सवाल होता है तो ऑप्शन एक में ये निहित है, यही इसका आंसर है। इसको बहुत कम समय में 5 से 7 सेकंड में मार करके निकल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, इसको देखिए, ऐसा वाला सवाल मैंने कितना करा चुका हूं आपको, अब इसको भी देखिए क्या बोला है। दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार से बने घन में संख्या 7 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। 7 का विपरीत आपको पूछा है, तो पहले मैं बता चुका हूं कि एकांतर फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। एकांतर फलक, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, एकांतर फलक जो होते हैं वो एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये कि देखिए पहला बॉक्स में क्या लिखा हुआ, 4, तो 4 के विपरीत आपका हो जाएगा कितना, 3, एक बॉक्स छोड़कर, एकांतर फलक मतलब 4 के बाद 5 को छोड़ के उसके अगला संख्या उसका विपरीत होगा। उसी तरीके देखिए 5 है तो 5 के बाद 3 को छोड़ देंगे, अगला संख्या 7, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 7, और 7 के विपरीत 5, ठीक है। तो और लास्ट में जो साइड साइड बॉक्स है ये 8 और ये 6, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। 4 के विपरीत हो गया 3, ठीक है, और 5 के विपरीत हो गया आपका 7, और 8 के विपरीत हो गया आपका क्या, 6। तो आपसे पूछा कि 7 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन होगा, तो 7 के ऑपोजिट कौन है, 5, तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऐसा वाला भी क्वेश्चन एक आता है, केवल आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपसे तुरंत बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अच्छा लग रहा है, आप कंटिन्यू कीजिए, मैथ का भी कराइए, मैं मैथ का बहुत जल्द आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है। अब इसको देखिए, पेपर कटिंग वाला सवाल है, एकदम आसान है, आप कर लीजिएगा, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी देख लीजिए। यहाँ देखिए एक बार बीच में कटिंग किया है, ठीक है, तो जिस तरह से मोड़ा उसी तरीके से खोलना है, तो यहाँ मोड़ा है देखिए, तो उस अगला खुलेगा, यहाँ भी कटिंग हो जाएगा, फिर खुलेगा तो यहाँ भी कटिंग होगा, यहाँ भी कटिंग होगा, फिर पूरा खुल जाएगा तो यहाँ भी कटिंग होगा, और यहाँ, यानी कि तीन तीन कटिंग होगा दोनों साइड से, ठीक है, इसी को केवल पकड़िए। तो तीन तीन कटिंग दोनों साइड से किस ऑप्शन में है, तो देखते हैं अगले ऑप्शन में, ऑप्शन 4 को देखिए, है इसमें देखिए दोनों साइड से तीन तीन कटिंग है, एक कटिंग, दो कटिंग, तीन, इसमें भी एक दो तीन, साइड साइड से, और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करिए। देखिए सीरीज का सवाल है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 6 है, ठीक है, 8 है, आगे आपका है कितना, 20 है, 50 है, और 106 है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपसे पूछा है। तो देखिए 6 से नंबर हो गया 8, प्लस का कितना हुआ है 2, 8 से हो गया आपका 20, प्लस का कितना हुआ है 12, ठीक है, समझ में आ रहा है। 20 से हो गया 50, प्लस का हो गया कितना 30, ठीक है, और 50 से हो गया 106, प्लस का कितना हो गया 56 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ पैटर्न नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो एक बार और एक स्टेप और नीचे जाएंगे, देखिए 2 से हो गया आपका कितना 12, हुआ है ना, तो प्लस का कितना 10, 12 से हो गया कितना 30, तो प्लस का कितना हुआ 18, प्लस का 18। अब आगे देखिए 30 से हो गया 56, तो यहाँ प्लस का कितना हुआ है 26 हुआ है। तो यहाँ से हमको कुछ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, यहाँ देखिए 10 से 18 यानी प्लस का 8, यहाँ भी 18 से 26 प्लस का 8, यानी तीन स्टेप जब जाइएगा नीचे तो +8 +8 इस तरीके का पैटर्न मिलेगा। तो आगे भी प्लस का 8 हो जाएगा, तो 26 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, प्लस का 34 यहाँ हो जाएगा। अब फिर ऊपर जाइए इसी तरीके से, 56 में 34 जोड़िए, 56 में 34 जोड़िए कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 90, ठीक है, 90 आ जाएगा।
अब 106 में 90 जोड़िएगा तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा, 106 में 90 जोड़ेंगे तो 196 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 196 जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल आसान था। केवल आपको तीन स्टेप नीचे जाना पड़ेगा, +8 +8 का पैटर्न मिल रहा था उसी के अकॉर्डिंग आपको करते जाना है और इस तरीके से आपका 196 आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। इस सवाल को देखिए, एकदम आसान है, 22 नंबर। शहद का जो संबंध मधुमक्खी से है वही संबंध चीनी का किससे होगा? तो शहद मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, तो चीनी किसके द्वारा? गन्ना के द्वारा बनता है, ऑप्शन 3। इसमें कोई संदेह का सवाल था ही नहीं, एकदम क्लियर और स्पष्ट सवाल था ये। अब आते हैं 23 नंबर पर, इस सवाल को करिए, ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, इस तरह का आपको एग्जाम में एक मिलेगा। देखिए टेंजी क्या लिखा हुआ है, टेंजी TANGY, टेंजी, टेंजी का आगे अनुपात करके क्या लिखा है, जी लिखा है, जेड लिखा है, एम लिखा है, टी लिखा है और बी। देखने से ही आपको पता चल गया होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। टी का ऑपोजिट होता है जी, ठीक है, टी के विपरीत कौन सा अक्षर आता है, जी आता है, और ए के विपरीत जेड आता है, एन के विपरीत एम आता है, और जी के विपरीत टी आता है, और वाई के विपरीत बी आता है। तो क्या किया है, सबका विपरीत अक्षर लिखा है, लेटर, ऑपोजिट लेटर क्या होता है। तो उसी तरीके से अगला आपको प्रीएस्ट का निकालना है, ठीक है, पी आर लिखा हुआ है, आई है, ई है, एस और टी, तो पी के ऑपोजिट क्या होता है, के होता है, ठीक है, और आर के ऑपोजिट आई होता है, और आई के ऑपोजिट आर, ठीक है, आर के ऑपोजिट जब आई तो आई के ऑपोजिट आर, और ई के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ई के ऑपोजिट आपका हो जाएगा भी, और एस का ऑपोजिट एच, ठीक है, और टी के ऑपोजिट जी, ठीक है। तो ये इसका सही कोड होगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करिए, एकदम आसान है। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 24, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल, ठीक है, इसको समझना है आपको। इसमें क्या कह रहा है, क्या बोला है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सही अच्छे ढंग से बताता हो। तो लिखा हुआ आपका पुलिस, पुरुष और पति। आप इस बात को समझिएगा, ठीक है, कि पति, मैं यहां लिख देता हूं पति, ठीक है, पति जो होगा वो पुरुष होगा, ये तो फिक्स है, इसमें कुछ करना नहीं, पति पुरुष होगा, ये तो तय है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे देखिए, अब यहां हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ, क्या, कुछ पुलिस जो है, कुछ पुलिस, ठीक है, वो पुरुष होंगे, हो सकते हैं, सभी का सभी नहीं, लेकिन कुछ पुलिस पुरुष होंगे और कुछ पुलिस जो है वो पति भी होंगे, ठीक है, कुछ पुलिस जो होते हैं वो किसी के पति भी होते हैं और कुछ पुलिस पुरुष भी होते हैं, तो इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके का पॉसिबिलिटी इसमें बनेगा। तो अब हम डायग्राम किस तरीके से बनाएं, ठीक है, तो आप यहां समझिए, अब इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं और अच्छी तरीके से आपको बताते हैं। यहां देखिए हम डायग्राम बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बना लिए। ये हो गया आपका पुलिस, क्या है, पुलिस, इसको अच्छे से समझिएगा, ये हो गया आपका पुलिस। तो हम क्या बोले कि कुछ पुलिस जो होते हैं वो पति होते हैं, ठीक है, तो कुछ एक और सर्कल इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया क्या, पति, कुछ पुलिस हो गया पति, ठीक है, जरूरी नहीं कि सभी पुलिस किसी के पति होते हैं, ठीक है, कोई पुलिस अगर अनमैरिड है तो वो किसी का पति नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, सभी जो पति होंगे वो क्या होंगे, पुरुष होंगे, ये तो फिक्स है, और कुछ पुरुष पुलिस होंगे, तो इस तरीके का डायग्राम आपका बनेगा। इस तरीके का डायग्राम आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 1 में दिख रहा है, जो कि यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर, और आज के सेशन का लास्ट सवाल, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हल करिए, ठीक है। सिलोक्स का सवाल है, देखिए क्या बोला है, सभी फल फूल हैं, सभी फल जो है वो क्या है, फूल है, फल ये है, ये फल जो है सभी वो आपके क्या है, फूल है, तो यहाँ लिख लिए क्या, फूल, इस तरीके से लिख लिए। आई क्या बोला, कुछ फल कीवी है, कुछ फल जो है वो क्या है, कीवी है, कीवी है, ठीक है, एकदम फ्रूट का नाम दे रखा है। अब पढ़िए इसको, निष्कर्ष को, क्या बोला, कुछ फूल कीवी है, कुछ फूल जो है वो कीवी है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पूरा क्या है, फूल है, ये पूरा फूल है, ठीक है, और फूल का ये हिस्सा कीवी में आ रहा है, तो कुछ आ रहा है, तो कुछ फूल वो कीवी हो जाएंगे, पहला आपका सही हो जाएगा। लेकिन दूसरा देखिए, सभी कीवी फल है, सभी कीवी, देखिए ये कीवी है तो सभी कीवी फल है क्या, कीवी का केवल कुछ ही हिस्सा फल में जा रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा जा रहा है, तो कुछ कीवी फल रहता तो सही हो जाता, लेकिन सभी कीवी फल में नहीं है, ठीक है, इसलिए आपका दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, केवल एक अनुसरण कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है। तो ये थे आज के सभी 25 क्वेश्चन, जो एकदम बेहतरीन तरीके से डिटेल में मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ
क्लियर करा दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दबा के, ठीक है। रोज सुबह आपको 9 बजे रीजनिंग की एक क्लास मिलेगी। एग्जाम से पहले इतना प्रैक्टिस कीजिए कि एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस एकदम आसमान पर हो और आप सभी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएं, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।